राजा राव सिन्हा के तमाम कातिलों हजरात को मोहब्बत और खलूस भरा सलाम। एक काम ऐसा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से को ठंडा कर देता है। तिर्मिजी से रिवायत है, हदीस नंबर 664, बेशक सदका रब के यानी अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। क्या आप जानती हैं कि औरत का अगर शौहर राजी है तो वो जन्नत में दाखिल होगी। इब्ने माजा से रिवायत है, हदीस नंबर 1854, उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत दुनिया से इस हाल में चली जाए कि उसका शौहर उससे राजी था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। क्या आप जानते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में मियां बीवी की मिसाल लिबास से दी है। अल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल इज्जत मियां बीवी के रिश्ते की मिसाल बयान करते हुए फरमाता है, वो यानी बीवी तुम्हारी और तुम उसके लिबास हो। वजाहत, लिबास इंसान की जीनत बढ़ाता है और उसके ऐब छुपाता है। इसी तरह शोहर और बीवी को भी एक दूसरे के ऐब पोशीदा रखने चाहिए, दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, और कोई गलती हो जाए तो नरमी के साथ उसे सही बात समझानी चाहिए और गलत फहमियों की वजह से पैदा होने वाले इख्तलाफ और फितने फसाद से हमेशा बचना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, एक दूसरे की खूबियां जाहिर करनी चाहिए और ख़ुद भी ऐसे अमल करना चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत बढ़े।